늙게 쉬시고 쌓인 때랑 다라스 디카멘게 사프카레 दिल के शीशे को साईं तेरे दरस दिखाएंगे साईं तेरा बसता है तुझ में नजर नहीं आता है तुझको चुनर तेरी दाग रचे हैं ढोले भजन से उनको विषय भोग में फिरे भरमता चैन नहीं आता है तुझको तृष्णा जलाती है तुझको बुझा ले सबर से उसको मेर तेर जब तक दिल में बसती छोटा बनाती है उसको दुई है दिल में जब तक हरे नहीं मिलते हैं उसको पल पल जाता है जीवन हौस नहीं है तुझको जगा ले प्रेम तुम दिल में मिल जाए सतचेतन तुझको साफ कर दिल के शीशे को साईं तेरे दरस दिखाएंगे। ये शब्द है आपकी पवित्रता की डिमांड करता है पवित्रता शुद्धता आपके भीतर की सफाई ये चाहता है भीतर की सफाई दिल की पवित्रता ये आपको चाहिए जब तक ये पवित्रता शुद्धता आपके अंतर में नहीं है आपके भीतर में नहीं है तो इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर अंधकार है अंधकार में तुम कैसे देखोगे आपके भीतर अंधकार है
और परमात्मा भी आपके भीतर है तो कैसे देखोगे? कोई रोशनी चाहिए, कोई पवित्रता चाहिए, तो आपको नजर आ सकता है। आपने देखा होगा सर्दियों में धुंध पड़ती है, सर्दियों में धुंध पड़ती है, तो क्या आपको सूर्य नजर आता है? सूर्य तो है, आकाश में है, लेकिन धुंध इतनी है सूर्य और तुम्हारे बीच में कि सूर्य नजर नहीं आता है। कितना तेज सूरज है, मौजूद है, मगर आकाश में धुंध है। उस धुंध की वजह से आपको सूर्य नजर नहीं आता। वही धुंध जब हट जाती है तो सूर्य नजर आता है। ये जो धुंध है, जो ये बीच में अशुद्धता है, इसकी बीच से सफाई हो जाए तो दर्शन हो जाते हैं। तो कमी कोई नहीं है आपके अंदर, सिर्फ अशुद्धता है, पवित्रता नहीं है, आकाश साफ नहीं है। जब साफ हो जाता है सब नजर आता है। तो सत्संग इसीलिए होते हैं कि जो वस्तु आपके अंदर है वो दर्शाई जाए, उसका रास्ता बताया जाए। उसी वस्तु के लिए सत्संग होता है। संसार के लिए सत्संग नहीं होता। संसार की जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो संसार के रास्ते से पाई जा सकती हैं, लेकिन वो वस्तु जो संसार में नहीं है वो सत्संग से पाई जाती है। तो सत्संग में यही समझाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि अपने दिल को सिर्फ साफ कर लें, पवित्र कर लें, और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आदमी जो है ये दो तीन चीज़ों से प्रभावित है। दो तीन चीज़ें हैं उसके अंदर, तीन ही लगा लो, जो प्रकट रूप से आप पर असर डालती हैं, आपको चलाती हैं, आपको गति देती हैं। समझो कि उन्हों तीनों ने आपको नकेल डाल रखी है। वो नकेल उन तीनों ने आप पर डाल रखी है, आप उनके अनुसार चलते हैं, अपने अनुसार नहीं चलते। बस जब तक उनके अनुसार चलोगे
तो आपके अंदर शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, आप कमज़ोर हैं, आपको पता नहीं है। वो तीन चीज़ें क्या हैं, बस इशारा करने की ज़रूरत है। लोग तो रहते ही उन्हीं में हैं, लोग तो भूले मिले ही उनमें रहते हैं, लेकिन ख्याल नहीं है। पहली चीज है काम केंद्र। पहली चीज क्या है? काम केंद्र, काम का केंद्र यानी कि संभोग। दूसरी चीज है हृदय, जिसको तुम दिल कहते हो, जिसकी ओर मैंने इशारा किया, साफ कर अपने दिल को, साईं तेरा दर्श दिखाएंगे। एक ये दिल है, तीसरा मन है, सबसे नीचे काम केंद्र है, सेक्स का सेंटर, ये सबसे ज्यादा प्रकट है आपके शरीर में, ये सबसे ज्यादा प्रकट है। दूसरा दिल का है, ये थोड़ा उसे सूक्ष्म है, ये इतना प्रकट नहीं है, ये उसका थोड़ा सूक्ष्म है, यानी उससे थोड़ा भीतर है दिल। तीसरा मन का जो केंद्र है वो इससे भी सूक्ष्म है, वो इससे भी गहरा है, लेकिन वो तुमको प्रभावित करता है। मन तुमको प्रभावित करता है ना, मन तुम पर असर डालता है। तुम कहते हो मन जो है ये टिकने नहीं देता। सभी की शिकायत है मन के बारे में, चाहे आपको दिखाई ना देता हो मन, लेकिन आप सभी महसूस करते हैं कुछ है जो हमें तंग करता है, उसे तुम मन कहते हो। इससे नीचे दिल है, दिल में भाव उठते हैं, ये तो तुम समझते हो। दिल को तो ज़्यादातर समझते हैं, मन को ज़्यादातर नहीं समझते। तो इससे नीचे है काम सेंटर, सेक्स सेंटर, जिस सेंटर से बच्चे पैदा किए जाते हैं, जहाँ स्त्री पुरुष का संबंध है, ये सेक्स सेंटर है। तो आदमी ज़्यादातर इन तीनों से प्रभावित रहता है, इन तीनों की तालमेल में रहता है, इसका और कोई काम नहीं, जैसे और कोई धंधा नहीं, इसका और कोई जैसे कोई लक्ष्य नहीं है। काम को, संभोग को पूरा करना, दिल की छोटी छोटी बातों को सुनना, मन की वासनाओं को, कामनाओं को सुनना, यही तो है सारे जग में। कैसे कोई अलग कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जो काम सेंटर है, सेक्स का सेंटर है, जो संभोग है,
ये तो मानव की दुनिया का केंद्र है, सब कुछ इसके कारण हुआ नजर आता है, सब कुछ इसके चारों तरफ होता हुआ नजर आता है। ये काम सेंटर की जो बात करता हूँ मैं, ये हो सकता है अनपढ़ बहनों भाइयों की समझ में ना आता हो, लेकिन ये वो केंद्र है जहाँ क्षत्रिय पुरुष मिलते हैं। ये संभोग का, भोग का, शारीरिक मिलन का स्थान है, ये जनन इंद्रिय का स्थान है, ये सबसे नीचे का स्थान है। तो सारी दुनिया इसके लपेटे में है, कोई खेत में जाता है, सारा दिन काम करता है, खून पसीना करता है, इसलिए करता है कि वो संभोग के साथ है, वो काम केंद्र के साथ है। दफ्तर में जाता है तो इसलिए जाता है, दुकान पर दिन रात बैठता है तो इसीलिए बैठता है, चौराहे पर रेडी लगा के खड़ा रहता है तो इसीलिए खड़ा रहता है, फौज में सीमा पर लोग लड़ते हैं, जान हथेली पर रखते हैं, इसी कारण से रखते हैं। जितना भी उत्पात है, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितना भी शोषण है, जितना भी दुख है, इस सेंटर के कारण है, इस संभोग के कारण है। ये प्रत्यक्ष सेंटर है, मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ रहते हो, आपका कहाँ कहाँ संबंध है, यही दर्शा रहा हूँ मैं। माना कि एक लड़की है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, उनकी शादी हो जाती है तो उनको एक दो बच्चा हो जाता है। ये संभोग के कारण हुआ, ये सेक्स सेंटर से एक होने के कारण हुआ। दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, तुम्हारी ज़रूरत बढ़ गई ना ज़रूरत, दो की तो ज़रूरत नहीं रही, उनको दो और जुड़ गए। अब वो पढ़ाने हैं, अब वो लिखाने हैं, उनका कपड़ा है, लगता है, फिर उनकी भी शादी करनी है, फिर उनके मकान भी बनाने हैं। इस तरह से ये एक जाल क्यों बढ़ गया, ये काम सेंटर के कारण बढ़ गया, इसके साथ हम एक रहते हैं। तो ये तो मैंने उदाहरण दिया कि सब कुछ जितना भी यहाँ कार्यक्रम है, जितनी भी संसार में व्यवस्था है, जितना भी ये हमने खड़े कर दिए हैं, महल अटारी सब कुछ इसी की पूर्ति के लिए कर दिए हैं। बस एक आदमी से अटैच है तो सारी जिंदगी इसके परिणामों को भुगतता है, सारी उम्र इसके परिणामों को भुगतता है। तो इस सेंटर से जुड़ कर के तो हमारे साथ ऐसा ही होगा, सारी उम्र काम धंधा करते रहो, सारी उम्र चिंताएं करते रहो, सारी उम्र पता नहीं क्या क्या करते रहो, अपना जो है ये भोग है इसका अपना दंड भरते रहो, ये कैसी चीज है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ तुम इसके साथ एक ना रहो, नहीं तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, ये काम काज सब ठप हो जाएंगे, सब कुछ क्या रहेगा। लेकिन ये मैं कहता हूँ, अगर इसके बीच से स्वार्थ निकल जाए, संभोग के बीच से, क्षत्रिय पुरुष के मिलन के बीच से एक स्वार्थ निकल जाए,
छोड़ने की बात नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि ये सृष्टि में कुदरतन है। जो चीज़ कुदरतन हो उसके निषेध की, उसको छोड़ने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर वो तुम्हें गलत दिखता है उसका संशोधन कर लो, समझे ना, उसका सुधार कर लो। वो गलत तरीके का है तो उसके बीच से जो है अपना कुछ अच्छा रास्ता निकाल लो। जैसे आपके पास रेडियो है और वो बिगड़ गया है, आप उसको गली में तो नहीं फेंक देते, आपको वो संगीत नहीं सुनाता है, ठीक से स्टेशन नहीं पकड़ता है, ठीक से क्या उसको गली में फेंक देते हो? आप उसका सुधार करवाते हो, उसको ठीक करवाते हो, संगीत फिर सुनने लगता है। तो मैं यही कह